हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज मैं आपको हिस्ट्री ऑप्शनल का सेकंड लेक्चर पढ़ाऊंगी। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सोर्सेस के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में, और इस लेक्चर में हम देखेंगे पाषाण काल के बारे में, स्टोन एज के बारे में। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के और भी इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इनके पेड ग्रुप ऑफ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हिस्टोरिक एज भी बोलते हैं। प्री हिस्ट्री एज या प्राक ऐतिहासिक काल, जो कि प्रारंभ से लेके 3000 BC तक है। फिर आता है आधे ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज, 3000 BC से 600 BC तक। फिर हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल, 600 BC से अभी तक का काल। अब ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये कोई क्रोनोलॉजी नहीं है। ये तीनों मतलब दिखाते हैं कि हिस्ट्री इनका क्या मतलब है। तो हम प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में बताते हैं पहले। प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब है जिस काल में लोगों को लेखन कला की जानकारी नहीं थी और लिखित साक्ष्य का अभाव था उस टाइम पर, और जिस काल की जानकारी के लिए हम सिर्फ पुरातात्विक शोध पर मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर डिपेंड कर सकते हैं, उस काल को प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से भी पहले का टाइम, उस टाइम पे ना लेखन कला की जानकारी थी और ना कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं, तो उस टाइम को प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जो कि स्टार्टिंग जो भी हुआ है धरती पर, जो भी मानव की उत्पत्ति हुई है उस टाइम से लेके 3000 BC तक का काल जो है वो प्राक ऐतिहासिक काल का कहा जाता है। सेकेंड देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज उस टाइम को बोलते हैं जिस टाइम में लोगों को लेखन कला की जानकारी तो थी तथा लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उस लिखित साक्ष्य का इतिहास निर्माण में कोई उपयोग नहीं है, और काल विशेष की जानकारी का स्रोत भी सिर्फ पुरातात्विक ही है। तो ऐसे ही टाइम को हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज। अब इस टाइम में हम रख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो बहुत मिले हैं, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिस कारण इस टाइम को जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस लिपि को अभी जानने में हमें सफलता नहीं मिली है। और थर्ड हम देखते हैं हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हैं, और दोनों का इस्तेमाल इतिहास के निर्माण में स्रोत के रूप में हुआ है। तो ये दोनों काल को जो है हम जो ऐतिहासिक काल है उसमें पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक स्रोत दोनों मिले हैं, और उस बेसिस पर हिस्ट्री का निर्माण हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिक एज या ऐतिहासिक काल। और ये स्टार्ट हुआ है 600 BC से आज तक का पूरा टाइम जो भी है वो हिस्टोरिकल एज में आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्राक ऐतिहासिक काल को। प्राक ऐतिहासिक काल को शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि लगभग 4500 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसमें परिवर्तन आया, और उसके तहत बहुत सारे एरा आए, और उस एरा में हम देखेंगे सेनजोइक एरा को। और सेनजोइक एरा जो है वो 8 करोड़ वर्ष पहले का दौर है, और सेनजोइक एरा जो है उसको भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कई पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, और उसमें हमारा संबंध है क्वाटरनरी पीरियड से। क्वाटरनरी पीरियड को भी कई युगों में बांटा गया है, जिसमें कि हमारा ताल्लुक जो होगा वो प्लिस्टोसीन फेज से होगा। और ये जो प्लिस्टोसीन फेज है उसका जो आगमन हुआ है वो 30 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। प्लिस्टोसीन फेज में 30 लाख वर्ष पहले का जो टाइम है, युग है प्लिस्टोसीन फेज, और उसी के तहत आता है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में बात करने से पहले हम जानते हैं कि जो मानव की उत्पत्ति हुई धरती पर, तो उसके कहाँ कहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, बहुत जगह से मिले हैं। तो पहले वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं। वर्ल्ड लेवल पर अफ्रीका के क्षेत्र से मिले हैं जो भी साक्ष्य हैं, आदि मतलब आदि मनुष्य के, जो आदि मानव बोल सकते हैं, कीनिया के तुराकान झील से मिले हैं पाषाण उपकरण और मानव जीवाश्म। पाषाण उपकरण मतलब स्टोन के टूल्स और ह्यूमन फॉसिल्स जो हैं,
वो मिले हैं जो कि 26 लाख वर्ष पुराने हैं। और ये 26 लाख वर्ष पुराने जो फॉसिल्स मिले हैं ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के हैं, जो कि अभी जो हमारे मानव के टाइप है होमोसेपियंस उससे पहले का है, काफ़ी पहले का। इसके आगे अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके इथोपिया से भी मिले हैं मानव के साक्ष्य। ये इथोपिया के ओमी नदी क्षेत्र से पाषाण उपकरण और पशुओं के जीवाश्म मिले हैं। पाषाण उपकरण और जो जानवरों के फॉसिल्स हैं उसके साक्ष्य मिले हैं। फिर आगे हम देखते हैं फ्रांस में। फ्रांस में अभी विले नामक स्थल है जिससे 24 लाख वर्ष पहले के पाषाण उपकरण और पशु जीवाश्म मिले हैं। तो ये सारे क्षेत्र जो कि हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब भारत से बाहर आदि मानव के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अब हम आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। अब भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान भी आता है क्योंकि वो भी उस समय एक पूरे उपमहाद्वीप का पार्ट था। तो पाकिस्तान के रेवात नामक क्षेत्र से जो है 18 लाख वर्ष पुराने उपकरण औजार मिले हैं, मतलब टूल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सब मिले हैं पाकिस्तान के, 18 लाख वर्ष पुराने उपकरण औजार मिले हैं। फिर महाराष्ट्र के बोरी नामक क्षेत्र से मिले हैं 14 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण। तो महाराष्ट्र के मतलब बोरी नामक स्थल से भी मिले हैं पाषाण उपकरण के साक्ष्य। फिर एमपी के हथनौरा नामक स्थल से मिले हैं 3 लाख वर्ष पुराने मानव फॉसिल्स। और एक जो चीज़ खास है एमपी के हथनौरा की, क्योंकि यहाँ होमो इरेक्टस मानव के साक्ष्य मिले हैं और इसके अलावा पशु जीवाश्म के भी साक्ष्य मिले हैं। तमिलनाडु की खुदाई करने पर भी कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं आदि मानव के। तमिलनाडु में जो है पुरातात्विक अनुसंधान का कार्य सबसे पहले 1863 में हुआ था, और ब्रूसफुट महोदय नाम है उनका, ब्रूसफुट, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और तमिलनाडु के पल्लवरम नामक जगह से एक क्लेविल की खोज की थी। क्लेविल उस टाइम का औजार था जिसका यूज़ करते थे आदि मानव। फिर 1864 में किंग महोदय ने अतिरम्पक्कम से जो कि है 2.5 लाख वर्ष पुराने दो छोटे हस्त कुठार की खोज की थी। हस्त कुठार उस टाइम पर फेंक कर चलाया जाने वाला औजार था कि जानवरों का शिकार करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो 1864 में किंग महोदय ने अतिरम्पक्कम से भी दो हस्त कुठार की खोज की थी। और आगे भी कई जो भी हैं खोज करने वाले उन्होंने इसमें योगदान दिया था, जैसे कि ओल्डहम, हरगिब्ज, मैकोरी, मार्शल, व्हीलर, इन्होंने भी कंटिन्यू रखा था जो खोज है इससे रिलेटेड। तो सामान्यतः जो है 2.5 लाख वर्ष पूर्व से 3,000 वर्ष पूर्व तक का जो दौर है उसको प्राक ऐतिहासिक काल के दौरान रखा जाता है। मैंने आपको पहले पूरा बैकग्राउंड बता दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो ये जो प्राक ऐतिहासिक काल है ये 2.5 लाख वर्ष पूर्व से 3,000 वर्ष पूर्व का टाइम है। और इसके अंतर्गत पूर्ण रूपेण हमें जो है पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राक ऐतिहासिक काल है और मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया था कि प्राक ऐतिहासिक काल में कुछ भी रिटेन सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो इसके तहत हम मेनली जो भी रिजल्ट निकालते हैं चाहे कंक्लूजन निकालते हैं वो उपकरण, औजार, मृदभांड या पॉटरी, भवन के ध्वंस अवशेष, मतलब टूटे फूटे जो भी भवन मिले हैं आज के डेट में, कब्रिस्तान, ब्यूरियल्स, मुहरें, फॉसिल्स, जीवाश्म, इन सब के बेसिस पे फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं। आगे हम देखते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल जो कि पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज कहा जाता है। अब ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो क्योंकि इसका डिवीज़न इस कारण किया गया कि सबका एज अलग अलग है। जैसे पूरा पाषाण काल जो है वो 2.5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व का टाइम है, वहीं मध्य पाषाण काल जो है वो 9,000 वर्ष पूर्व से 4,000 वर्ष पूर्व का टाइम है, और नव पाषाण काल जो है वो 5500 BC से 3000 BC या 3000 वर्ष पूर्व का टाइम है। तो ये हर फेज में जो है मानव के आदि मानव के रहने सहने के तरीके, औजार, खान पान, ड्वेलिंग, मतलब जो रहन सहन था उसका सब में चेंज आता है, इस कारण इनको डिवाइड किया गया है। और एक बहुत लंबे टाइम तक मानव जीवन यापन के लिए और आत्मरक्षा के लिए
जो है वो पाषाण उपकरण का उपयोग करता था, स्टोन टूल्स का उपयोग करता, और इसीलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया, इस सारे टाइम में जो वो यूज़ करते थे टूल्स स्टोन के, उसके आकार में, शेप में, साइज़ में और टाइप में काफ़ी चेंज आता है और सब कुछ चेंज होता है, तो इसलिए ये तीनों पार्ट्स को हम अलग अलग डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं, पूरा पाषाण काल भी जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि पूरा पाषाण काल भी निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण में डिवाइडेड है। मतलब लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। जो लोअर पैलियोलिथिक या निम्न पूरा पाषाण है, उसका टाइम 2.5 लाख से 1 लाख BC है, मतलब 2.5 लाख BC से 1 लाख BC। मध्य पूरा पाषाण काल है, उसका टाइम है 1 लाख से 40,000 BC। और जो उच्च पूरा पाषाण काल है वो 40,000 से 10,000 BC बीसी का टाइम है। फिर आगे जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है। तो हर टाइम में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। तो हम आगे देखते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। अब पूरा पाषाण काल में हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट से। तो उस टाइम का जो इन्वायरमेंट था वो वातावरण बहुत फेवरेबल नहीं था, क्योंकि यह प्लिस्टोसीन फेज था और जो जलवायु थी, क्लाइमेट था, वो गर्म नहीं था, मतलब फेवरेबल नहीं था मनुष्य के रहने के लिए। और रहन सहन में फिर हम देखेंगे ड्वेलिंग में कि इस टाइम के जो मनुष्य हैं वो प्रकृति जीवी है, मतलब प्रकृति के साथ रहते हैं, और वो एक जगह पर स्टेबल नहीं रहते हैं, वो जगह जगह घूमते रहते हैं, और उनको घर बनाने की जानकारी नहीं थी, और वो गुफाओं में, कंदराओं में, केव्स में, इन सब में रहते थे। तो मतलब रहने का जो ढंग था वो स्टेबल नहीं था, काफ़ी उसमें फ्लक्चुएशन था और काफ़ी अनस्टेबिलिटी थी। तो फिर हम देखते हैं उपकरण औजार में। अब ये पूरा पाषाण काल का सबसे मतलब स्टार्टिंग टाइम है, तो इसमें उपकरण औजार में भी काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलता है। तो जो उपकरण औजार थे उनका रॉ मटेरियल और जो भी देखने को मिलते हैं वो अलग अलग थे। जो रॉ मटेरियल है उसमें जो यूज़ होते थे वो क्वार्टजाइट, कैलिस्टोनी, सैंडस्टोन, चर्ट, जेस्पर और हड्डी और लकड़ी के भी ये मिलते हैं औजार। लेकिन ये जो हड्डी और लकड़ी के जो औजार मिलते हैं वो उच्च पूरा पाषाण काल के, मतलब लेटर टाइम में जाके, हायर अपर पूरा पाषाण काल में जाके वो हड्डी और लकड़ी का भी यूज़ करने लग जाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि वो क्या क्या का यूज़ करते थे। फिर इस टाइम के जो औजार यूज़ हुए हैं, उपकरण औजार टूल्स जो हैं, उनके कुछ नाम भी हैं, जैसे कि हस्त कुठार या हैंड एक्स, विदारणी या क्लेवर, खुरचनी या स्क्रैपर, और चॉपर, छेनी, डिस्कॉय डेरा जो फेंक कर मारा जाता था। तो इन सब का यूज़ किया जाता था क्योंकि उस टाइम पे बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था, तो बड़े बड़े हथियार बनाए जाते थे औजार, ताकि उनको फेंक कर चलाया जा सके। तो ये कुछ उपकरण औजार देखने को मिलते हैं उस टाइम के। फिर हम देखते हैं उपकरण निर्माण तकनीक। जो उस टाइम की उपकरण निर्माण तकनीक थी, जिस तरह से बनाया जाता था, उसको भी कुछ यूनिक नाम दिए गए हैं, जैसे कि बोल्डर टेक, फ्लैक टेक, कोर टेक, फ्री फ्लैकिंग टेक, ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक, बाइपोलर टेक, और आप इनको इसी नाम से लिख सकते हैं। इनको हिंदी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, पूरा पाषाण काल का जो लास्ट फेज है, उच्च पूरा पाषाण काल, उसमें मनुष्य ने पेंटिंग भी स्टार्ट कर दी थी। जो पेंटिंग स्टार्ट की थी उसका जो सब्जेक्ट होता था मनुष्य, पशु और शिकार, मतलब जो वो उस टाइम पे मेन उनका काम शिकार ही होता था, तो उसी की पेंटिंग वो करते थे, रॉक पेंटिंग, केव पेंटिंग। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि भीमबेटका में मिले भी हैं ऐसे जो भी पेंटिंग है उसके साक्ष्य। और इस टाइम पे मनुष्य जो है वो वस्त्र निर्माण, जो क्लोथ मेकिंग में से वाकिफ नहीं था, तो वो न्यूडी रहता था। जो भी मनुष्य है वो कपड़े वपड़े का यूज़ नहीं करते थे। तो आगे हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में जो भी मनुष्य था उसको पशुपालन या कृषि की जानकारी नहीं थी, प्रवृत्ति नहीं थी, मतलब वो टोटली शिकार पर डिपेंडेंट थे, और वो शिकार करते थे और उसको इकट्ठा करते थे, संग्रहकर्ता की भूमिका थी, और वो कंद मूल और कच्चा मांस खाते थे। तो ये सब हमें देखने को मिलता है।
हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर मतलब भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर मानव के आग उपयोग करने के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में उस टाइम तक आग के इस्तेमाल का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये सब हमें प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं पूरा पाषाण काल में। आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल, जो भी पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो सोहन नदी घाटी जो है, सोहन नदी घाटी आज के डेट में सिंधु झेलम के बीच का एरिया है, जो कि पाकिस्तान में है, पोतवार का पठारी इलाका। और इसका जो खनन हुआ था, जो इसकी एक्सकवेशन हुआ था, ये 1935 में हुआ था, डी टेडा पीटरसन ने किया था। और इसका जो रेलेवेंस है वो निम्न पूरा पाषाण काल से है, मतलब पूरा पाषाण काल के स्टार्टिंग फेज से। और यहाँ से हस्त कुठार मिले हैं, हैंड एक्स मिले हैं, और इस जगह से 5 लाख वर्ष पुराने उपकरण औजार के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ से जो औजार मिले हैं वो 5 लाख वर्ष पुराने हैं। आगे हम देखते हैं एमपी का हथनौरा क्षेत्र। एमपी का हथनौरा क्षेत्र जो है वो होशंगाबाद में पड़ता है, और इसकी भी संबद्धता जो है वो निम्न पूरा पाषाण काल से है। और इस स्थल से मानव की खोपड़ी और हाथी के फॉसिल्स मिले हैं। और ये जो इंसान की खोपड़ी मिली है, ये होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी मिले हैं यहाँ पे। फिर आगे हम देखते हैं भीमबेटका। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, भीमबेटका से मोस्टली तो ये फेमस है पेंटिंग्स के लिए, यहाँ पेंटिंग मिलते हैं हर एज के। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, और इसका खनन हुआ था 1958 में, बीएस बेकनर ने किया था। और इसकी जो संबद्धता है ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों से है। यहाँ से गुफा चित्रकारी, जो कि मैंने आपको बताया था कि पेंटिंग करने लग गए थे, उनका सब्जेक्ट था शिकार वगैरह, वो 500 नमूने मिले हैं, जिसमें से कुछ जो है वो उच्च पूरा पाषाण काल के और कुछ जो है वो मध्य पाषाण काल के। और ये भी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। यहाँ से सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है पेंटिंग का, तो ये भी एक भीमबेटका की खास बात है। आगे हम देखते हैं मैहर। मैहर भी सतना जिला एमपी में है, और इसकी संबद्धता निम्न पूरा पाषाण काल से है। और यहाँ से जो भी उपकरण मिले हैं वो मोस्टली जो है क्वार्टजाइट के बने हुए हैं। और मेहर के बारे में एक चीज़ और ख़ास है कि यहाँ के लोग जो हैं वो क्लेवर जो औजार है वो बनाने में दक्ष थे। तो मेहर के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ के लोग मेनली औजार बनाने में दक्ष थे, वो भी क्लेवर। और आगे हम देखते हैं बेलन घाटी के बारे में। बेलन घाटी यूपी में है, और ये यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में है एक स्थल। और इसकी जो संबद्धता है वो तीनों काल से है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और ये एकमात्र ऐसा स्थल है जिसकी संबद्धता तीनों एज से है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बेलन घाटी के लोहंदा नाला स्थल से हड्डी की बनी एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी मतलब मदर गॉडेस कह सकते हैं, उसकी मूर्ति मिली है, जिसे कुछ लोग, कुछ इतिहासकार जो वो हार्पून कहते हैं। तो ये एक डिस्प्यूटेड है जो मूर्ति मिली है कि वो क्या है। कुछ लोग हार्पून बोलते हैं, कुछ बोलते हैं मदर गॉडेस है। तो ये एक मूर्ति मिली है जो बहुत फेमस है। फिर देखते हैं बोरी। बोरी जो है महाराष्ट्र पुणे में है, और यहाँ से 14 लाख वर्ष पुराने जो हैं स्टोन टूल्स मिले हैं। फिर पल्लवरम, पल्लवरम तमिलनाडु में है, यहाँ से ब्रुसफुट महोदय ने, जैसा कि मैं आपको बताया ही था, पूरा पाषाण उपकरण खोज निकाले थे। और ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला पूरा पाषाण उपकरण का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। तो पल्लवरम से औजार मिलते हैं। फिर अथिरम्भोक्कम मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि यहाँ से भी 2.5 लाख वर्ष पुराने दो छोटे हस्त कुठार मिलते हैं, और ये देखने में अबेवेलियन या एल्यूशियन की तरह हैं। पटने, पटने जलगांव महाराष्ट्र में है, और इस काल की जो संबद्धता है वो उच्च पूरा पाषाण काल से है। और यहाँ से भी रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिलते हैं, जो पत्थर पर जो पेंटिंग की जाती थी। और यहाँ एक और जो खास बात है वो ये है कि शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर। फिर हम अगला देखते हैं मुचुतासी चिंतमनुगावी पहाड़ी। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में है, और इसकी संबद्धता है उच्च पूरा पाषाण काल से। और इस स्थल से जो है चर्ट, फ्लिंट, हड्डी, पशु श्रृंग के उपकरण का साक्ष्य मिला है। पशु श्रृंग मतलब जो जानवर के सींग होते हैं उससे बने हुए जो भी औजार हुए वो। और यहाँ से भी गुफा चित्रकारी का साक्ष्य मिलते हैं, और ये आंध्र प्रदेश में है ये स्थल। तो
ये मैंने आपको बताया कुछ इम्पोर्टेंट जो भी स्थल हैं उसके। अब हम अगला आते हैं जो भी है अपना मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज एक बोलते हैं मध्य पाषाण काल को। अब हम इन्वायरमेंट से शुरू करते हैं, वातावरण से, क्योंकि एक चीज़ और जो क्वेश्चन के रूप में बनता है कि यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है कि क्या चेंज आया, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चेंज आया। और चेंज आया ऑब्वियस सी बात है, इसी कारण इसको अलग पीरियड में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली बात कि कंपेरेटिवली गर्म है इन्वायरमेंट, हेलोसिन फेज है, पिछला जो था वो प्लिस्टोसिन फेज था। तो जो भी ये वातावरण वो अपेक्षाकृत गर्म हो गया है, अनुकूल हो गया है, मतलब फेवरेबल हो गया है। निवास निवास में भी चेंज आता है, जो ड्वेलिंग उनकी होती है, पहले वो गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में, लेकिन अब क्या है मनुष्य जो है वो गुफाओं कंदराओं से निकलकर निचले क्षेत्रों में आके बसने लगा। उसका माइग्रेशन हुआ और फिर वो पहाड़ी, मैदानी, नदी तटीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र और बालू वाले क्षेत्रों में, इन सब क्षेत्रों में आके बसने लग गया। तो एक ये है कि रहने की जगह में भी चेंज आ गया और उपकरण औजार में भी बहुत कुछ चेंज आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य है वो बड़े बड़े औजारों का उपयोग करता था, क्योंकि बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन इस काल में जो है छोटे जानवरों का शिकार प्रारंभ हो गया। और जैसे कि छोटे जानवरों के शिकार के लिए नए पत्थरों की उपलब्धता और नई आवश्यकता के अनुकूल जो है मनुष्य वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन पर आधारित छोटे छोटे उपकरणों का निर्माण करने लग गया, जिसे कि लघु पाषाणिक उपकरण या माइक्रोलिथ टूल्स भी बोलते हैं। और जिन जगहों से ये बहुत बड़े अमाउंट में मिले हैं माइक्रोलिथ टूल्स, उनको माइक्रोलिथ इंडस्ट्री कहा गया है। तो ये जो बड़े एरिया से मिलते हैं उनको माइक्रोलिथ इंडस्ट्री कहा जाता है। और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन पे बेस्ड जो है वो औजार बनाते थे छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए। अब जो रॉ मटेरियल हैं उनमें भी काफ़ी बदलाव आता है इस टाइम में। कुछ तो सेम ही रहते हैं लेकिन कुछ में चेंज भी आता है। जैसे कि इस टाइम में हालांकि पिछले जो पहले यूज़ हो रहा था उसका भी यूज़ होता रहा, लेकिन नए तौर पे आगेट, बेसाल्ट, कैलिस्टोनी, क्रिस्टन, इन सब का भी कुछ यूज़ होने लग गया और पिछले वाले भी कंटिन्यू रहे। और इस टाइम पे हड्डी लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ गया। जैसे हड्डी लकड़ी मैंने आपको बताया था कि उच्च पूरा पाषाण काल में यूज़ होना शुरू हो गया था, तो इस टाइम में उसका यूज़ जो है वो बढ़ गया। आगे हम देखते हैं उपकरण निर्माण तकनीक। उपकरण निर्माण तकनीक भी कुछ बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कि पिछली जो टेक्निक थी उसके अलावा दाब नाली विधि, प्रेशर एंड फ्लटिंग टेक और अटैच्ड टेक, ये नई टेक्नोलॉजी शुरू हुई उपकरण निर्माण की, जो भी टूल्स हैं उनको फॉर्मेशन की। और इस काल में जो पुराने औजार थे उनका यूज़ तो बना रहा, लेकिन कुछ नए टाइप के औजार भी यूज़ होने शुरू हो गए। जैसे कि इस टाइम में ज्योमेट्रिकल शेप पर बेस्ड नए नए उपकरण का निर्माण आरंभ हो गया। जैसे फ्लेक प्रकार का उपकरण, जो ब्लेड टाइप का टूल होता था, ताकि चीरने फाड़ने के लिए जानवर का शिकार करते थे उसको। फिर त्रिभुजाकार प्रकार का उपकरण, ट्रायंगुलर टाइप का, फिर नुकीला प्रकार का उपकरण, अर्धचंद्राकार, जो हाफ मून होता है उस टाइप का बेस्ड, समलंबाकार, तो इस टाइप के उपकरण का भी निर्माण उस टाइम पर शुरू हो गया। आगे हम देखते हैं शिकार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टाइम तक जो है, पिछले टाइम में मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था, लेकिन जो है इस टाइम तक आके छोटे जानवरों का शिकार होना स्टार्ट हो गया। तो छोटे जानवरों का शिकार, मतलब पहले जो बड़े जानवर थे उनका भी शिकार होता रहा, लेकिन एक नई टेंडेंसी आ गई छोटे जानवरों का शिकार करने की। तो इसके जो है साक्ष्य बहुत जगहों से मिले हैं, जैसे कि महदहा से, दमदमा से, सराय नाहरा से। ये सभी जो स्थल हैं ये बेलन घाटी में, बेलन घाटी मैंने आपको बताया था यूपी में है। तो महदहा, दमदमा, सराय नाहरा से मिलने लगे मतलब साक्ष्य जानवरों के शिकार के, छोटे जानवरों के। और ये जानवर मेनली हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय, खरगोश, इन सब का शिकार करते थे। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था नए औजार, ये नए औजार भी के भी जो स्थल हैं वो मोस्टली इन्हीं सब जगह के से टैली करते हैं, जैसे कि बागौर, आदमगढ़, भीमबेटका, सराय नाहराय, इन सब जगहों से ये नए औजार के साक्ष्य भी मिले हैं। और आगे हम देखते हैं पशुपालन।
तो इस टाइम में आके जो है मनुष्य पशुपालक भी बन गया, कैटल रीडिंग भी करने लग गया, और आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं पशु को पालने के साक्ष्य, और वैसे पशु अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा इससे अंदाजा लगाया जाता है कि पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, और आदमगढ़ और बागौर जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम पशुपालक बस्ती का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, मतलब पहला कैटल रीडिंग का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। और बागौर से जो है वो भेड़ और बकरी के पालने के मिले हैं साक्ष्य, वहीं आदमगढ़ से जो है वो कुत्ते के पालने के साक्ष्य मिले हैं। और जैसा कि मानना जाता है कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया गया था, तो ये इस फैक्ट से ये टैली भी करता है मेरे ख्याल से। तो इस काल में भेड़ बकरी कुत्ता गाय भैंस और सूअर को पालतू बनाया गया। आगे हम देखते हैं गृह निर्माण में, जैसा कि मैंने बताया था पुरापाषाण काल में मनुष्य जो है वो घर का निर्माण नहीं करता था, वो उसकी यायावर प्रवृत्ति थी, मतलब घुमंतू प्रवृत्ति थी। लेकिन इस टाइम में जो है वो घर निर्माण की कोशिश शुरू कर दी गई। घास फूस मिट्टी और वृक्ष का जो स्टेम होता है, तना होता है, उसके जरिए झोपड़ी निर्माण का कार्य जो है शुरू किया गया। और इस टाइप के साक्ष्य बहुत जगहों से मिले हैं, जैसे कि आदमगढ़ से जो है वो मिट्टी के दीवार का साक्ष्य मिला है, और बागौर से भवन फर्श का साक्ष्य मिला है, और इसके अलावा सराय नाहर राय से भी मिले हैं साक्ष्य, वो है स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिला है। तो इस तरह हम देखते हैं कि काफ़ी इस टाइम में मतलब घर निर्माण की भी कोशिश शुरू कर दी गई। अब देखते हैं आग का प्रयोग। तो इस टाइम पे जो है मनुष्य जो है वो आग के यूज़ से वाकिफ़ हो गया, और मांस को पका कर भून कर खाने लग गया, जो कि पुरापाषाण काल में कच्चा खाता था। तो इस टाइप के प्रमाण हमें मिले हैं लंगनाज से, मदहा से, सराय नाहर राय से, और जो कि मैंने बताया था ये तीनों जगह यूपी में है, और इन तीनों जगहों से ही गर्त चूल्हा का प्रमाण मिला है, जो गड्ढे में करके चूल्हा बनाया जाता है और जिसमें जली हुई अस्थियां हैं, अस्थियां मतलब हड्डियां बोन्स। तो इसे ही मालूम चलता है कि वो मांस को पकाकर खाने लग गए थे। अब एक और यूनिक चीज़ दिखाई देती है जो इस टाइम में, वृक्षारोपण, ट्री प्लांटिंग। तो इस टाइम पे राजस्थान के सांभर झील का जो क्षेत्र है, एरिया जो है, एरिया झील में नहीं, एरिया में हमें 7,000 वर्ष पहले वृक्षारोपण के साक्ष्य मिलते हैं। तो मालूम चलता है कि लोगों ने ट्री प्लांटिंग की है उस समय, तो ये एरिया टैली करता है इस टाइम से। फिर हम देखते हैं शवाधान, जैसे कि हर टाइम पर जो शवाधान की प्रवृत्ति है उस हिसाब से भी बांटा गया है हिस्टोरिकल एज को। तो इस टाइम में शवाधान की प्रवृत्ति है क्योंकि बागोर, सराय नाहर राय और भीमबेटका तथा लंगनाथ से शवाधान के प्रमाण मिले हैं। शवाधान मतलब ब्योरियल जो किया जाता था डेड लोगों का, तो ये देखने को मिलता है। और रॉक और केव पेंटिंग इस टाइम पे भी मेंटेन रही है, गुफा या पत्थर पर चित्रकारी, और सब्जेक्ट वही हुआ करता था क्योंकि अभी भी मेनली जो है मनुष्य वो मतलब शिकार ही करता था, पशुओं से ही वास्ता था, तो मनुष्य पशु शिकार जो है इनका सब्जेक्ट होता था। और भीमबेटका के अलावा इस टाइम के जो चित्रकारी के साक्ष्य हैं वो सुंदरगढ़ बालाघर से भी मिलते हैं। तो इस टाइम पे जो भी ये चित्रकारी के साक्ष्य इन सब जगहों से मिलते हैं। आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल जो भी हैं इससे रिलेटेड, मध्य पाषाण काल से रिलेटेड। तो भीमबेटका से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भीमबेटका एमपी में है, और रॉक और केव पेंटिंग के साक्ष्य प्रस्तुत करता है ये, और यहाँ ज्यामितीय डिज़ाइन के, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन के उपकरण के भी साक्ष्य मिले हैं, और मेनली ये फेमस है केव पेंटिंग के लिए, लेकिन इसके अलावा यहाँ से औजार भी मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ से मध्य पाषाण स्तर के, मतलब मध्य पाषाण काल के दो शवाधान का, दो ब्यूरियल का भी साक्ष्य मिला है, और शवाधान के साथ साथ अंत्येष्टि सामग्री जो जो भी दफनाया जाता है तो उससे रिलेटेड जो सामग्रियाँ होती हैं, जो सब वस्तुएँ होती हैं, सब्सटेंस, उनके भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। अब आगे देखते हैं आजमगढ़ एमपी, अभी तक मैं बहुत ज़्यादा चर्चा भी कर चुकी हूँ उसकी अलग अलग कंटेक्स्ट में। तो यहाँ से भवन निर्माण की कोशिश का प्रथम साक्ष्य मिलता है, एमपी होशंगाबाद में है ये, और यहाँ से सबसे प्राचीन पशुपालक जो बस्ती है, कैटल रीडिंग ड्वेलिंग है, उसका साक्ष्य मिलता है। और यहाँ के पालतू पशु हैं जो हैं, जो हड्डियों से मालूम चलता है, गाय बैल भैंस भेड़ बकरी और कुत्ता है। फिर आगे हम देखते हैं बागौर, राजस्थान, भीलवाड़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में है ये।
तो यहाँ से भी पशु को पालतू बनाए जाने का सबसे ओल्डेस्ट साक्ष्य मिलता है, और भवन निर्माण की कोशिश का दूसरा सबसे ओल्डेस्ट साक्ष्य मिलता है, और इस स्थल से भी मानव शवदाह के प्रमाण मिले हैं, जो कि बहुत सारे स्थलों से मिल जाते, तो मालूम चलता कि इस टाइम पे शवदाह होता था। तो बागौर भी उनमें से एक है। सांभर झील क्षेत्र राजस्थान, जैसा कि पहले भी इसका कंटेक्स्ट आया है वृक्षारोपण के लिए, लेकिन इसके अलावा ये माइक्रोलिथ इंडस्ट्री का भी क्षेत्र था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, छोटे पत्थर से बने जो उपकरण होते थे उसको माइक्रोलिथ टूल कहा जाता था, और जहाँ से बहुत बड़े अमाउंट में मिलते थे तो उसको माइक्रोलिथ इंडस्ट्री कहा जाता था। तो सांभर झील क्षेत्र जो है वो माइक्रोलिथ इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है। फिर हम देखते हैं लंगनाथ गुजरात। लंगनाथ गुजरात मेहसाना क्षेत्र में है, और ये स्थल भी जो है वो माइक्रोलिथ इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और यहाँ से चर्ट, क्वार्ज, कार्लिनियन आगेट आधारित टूल्स के प्रमाण मिले हैं। और इसके अलावा इस स्थल से 2 गर्त चूल्हे के प्रमाण और 14 शवदाह का साक्ष्य मिला है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। सराय नाहर राय यूपी, सराय नाहर यू राय यूपी के बारे में मैंने काफ़ी चर्चा की थी, ये प्रतापगढ़ क्षेत्र में है। और इस स्थल से भी लघु पाषाणिक उपकरण मतलब माइक्रोलिथ टूल्स और हड्डी और सिंग से बने उपकरण के प्रमाण मिलते हैं, जो जानवर के सिंग होते थे उससे भी ये लोग उपकरण का निर्माण करते थे। और इसके अलावा इस स्थल से सामूहिक गर्त चूल्हे का प्रमाण मिला है, मतलब एक ही जगह से बहुत सारे गर्त चूल्हे जो हैं उसके प्रमाण मिले हैं, जैसे मालूम चलता था कि काफ़ी लोग रहते थे यहाँ पे। और जो भी आवासीय क्षेत्र था जहाँ घर बने हुए थे वहाँ से 15 शवदाह का साक्ष्य मिले हैं, और जो शवदाह के साक्ष्य मिले हैं उसके तहत अधिकतर जो है वो एकल शवदाह है, और एकल शवदाह मतलब सिंगल पर्सन को दफनाया गया है, और कुछ जो है वो सामूहिक शवदाह है, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ दफनाया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे क्या लोगों की काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगाया जाता है, हिस्टोरियन अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद कुछ विश्वास था या परिवार थे, ये सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो आगे मैं देखती हूँ दमदमा। दमदमा भी यूपी में है, और ये भी यूपी के प्रतापगढ़ क्षेत्र में है, और यहाँ से भी लघु पाषाणिक उपकरण, माइक्रोलिथ टूल्स, हड्डी और सिंग से बने उपकरण। और एक जो सबसे खास बात है दमदमा की, कि यहाँ पे बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से बना हुआ सील लोढ़ा के साक्ष्य मिले हैं। सील लोढ़ा आप लोग जानते होंगे, घर में यूज़ होता है मसाला सल पीसने के लिए, तो वो दमदमा से मिला है। और इस स्थल से गृह निर्माण की प्रवृत्ति का भी साक्ष्य मिला है, जो जो भी यहाँ पे मिले हैं अवशेष उससे मालूम चलता है कि घर निर्माण किया जाता था या कोशिश की जाती थी। और यहाँ से दमदमा से अधिकतम संख्या में गर्त चूल्हे का साक्ष्य और शवदाह का साक्ष्य मिला है, मतलब जो भी जितने भी स्थल हैं जहाँ पे ये सब साक्ष्य मिले उसमें अधिकतम जो है दमदमा में मिले हैं इसके साक्ष्य। और इस स्थल से कुल 41 शवदाह के प्रमाण मिले हैं, जिसमें से कुछ मतलब सिंगल हैं, कुछ कपल के फॉर्म में हैं, और कुछ मतलब सामूहिक रूप से शवदाह किया गया है। और उसके अलावा शवदाह के साथ साथ जो अंत्येष्टि सामग्री है, अंत्येष्टि से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। आगे हम देखते हैं चौपानी मांडो। चौपानी मांडो भी यूपी इलाहाबाद में है, और इस स्थल से जो है सबसे बड़ी खास बात इसकी, 7,000 वर्ष पुराने मृदभांड के साक्ष्य टुकड़े मिले हैं यहाँ पर। मृदभांड मतलब पॉटरी जो है, जो मिट्टी के सॉइल पॉटरी होती थी उसके साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। और यहाँ के लोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में घास फूस और बांस मिट्टी के झोपड़ी निर्माण का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया था, जो यहाँ से हमें साक्ष्य मिलता है उससे पता चलता है कि इन लोगों ने झोपड़ी निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। तो जो भी ये मैं बता रही हूँ आपको, ये सारे मैप में भी काम आएंगे, जो मैं एंशियंट हिस्ट्री का जो लास्ट के जो कुछ लेक्चर है वो मैप सेक्शन है, तो उसमें ये सब इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस हैं उनको मार्क करने में काफ़ी काम आएगा, और इन सब इन पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मैप सेक्शन में, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दे रही हूँ। और आगे हम देखते हैं टेरी समूह, तमिलनाडु, तिरुनेवेल्ली। ये जो जगह है ये माइक्रोलिथ इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और इसके अलावा यहाँ से लघु पाषाणिक उपकरणों का सबसे प्राचीन काल का माना गया है। यहाँ जो भी मिले हैं उपकरण टूल्स वो सबसे एंशियंट माना गया है, और ये माइक्रोलिथ इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट स्थल हैं मतलब मध्य पाषाण काल के।
और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है इंडिया का, उत्तर पूर्व और केरला क्षेत्र, इन सब एरिया से पूर्व पाषाण काल पैलियोलिथिक एज और मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक एज इस टाइम के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ऑटोमेटिकली नवपाषाण काल से यहाँ साक्ष्य मिलने शुरू होंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और क्योंकि हमारा अगला लेक्चर जो है उसमें एग्रीकल्चर का स्टार्ट है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग नियोलिथिक एज में जाकर हुआ था नवपाषाण काल में, तो अगले लेक्चर में हम मेगालिथिक एज और नवपाषाण काल मतलब नियोलिथिक एज को कवर करेंगे। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।